बहुत बड़े झूठ का मैं खुलासा कर रहा हूं केजरीवाल जी का। उन्होंने कहा था कि मैं स्पेशल अरेंजमेंट करूंगा, भारत सरकार ने भी उनको इस बारे में इंतला दी थी कि स्पेशल अरेंजमेंट कीजिए। इस मामले में अधिकृत कार्रवाई भी हुई, लेकिन केजरीवाल जी ने उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी कि जो अतिरिक्त डाटा ऑपरेटर चाहिए, ज्यादा 21 सब रजिस्ट्रार से नहीं होगा, कम से कम 40-50 और विंडो बनानी पड़ेगी, अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो इस काम को करेगी। इसके अलावा सरकार को 8-10 लाख लोगों को रजिस्टर्ड करना है, 8-10 लाख लोगों को, और तारीख नजदीक आती जा रही है। और चूंकि ना कंप्यूटर, ना उस तरह का मैन पावर, ना उस तरह का प्लेस, तो ना मैन पावर, ना स्थान, ना उसके लिए कोई डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर्स और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को वो तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रजिस्ट्री मिल जाएगी और वो लोग मालिक हो जाएंगे, उनको मालिकाना हक मिल जाएगा, तो उसको लेकर के वो दुविधा में हैं। हम उनको चुनौती देते हैं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि जो 8-10 लाख लोग दिल्ली सरकार के दफ्तरों में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि डीडीए ने अपने पूरे काम को बड़ी सुविधा से और बहुत ही विस्तृत प्लानिंग के साथ जोड़ लिया है, और उस विस्तृत प्लानिंग और सुविधा के साथ जोड़ने से वो कार्रवाई जो है बिल्कुल स्मूथ है। और चूंकि किसी एक विंडो पर अप्लाई करने की व्यवस्था नहीं है, अपितु आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। इसके अलावा हेल्प डेस्क डीडीए बना रही है, लेकिन दिल्ली की सरकार ना किसी हेल्प डेस्क की घोषणा कर रही है, ना हेल्प डेस्क बना रही है, ना उसकी तैयारी कर रही है। हम इस मामले में उपराज्यपाल से भी मिलकर दिल्ली सरकार की शिकायत करेंगे और हम उनसे मांग करेंगे वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। और हम पिछले 5 साल में जो विफलताएं हुई हैं दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए, वो तमाम वायदे जो सदन में किए गए थे, जो जनता से किए गए थे, उन पर जिस तरह की आपने कहा एक समय 895 कॉलोनियों की रजिस्ट्री होनी है, 4 की हम नक्शे तय कर दिए, लेकिन स्थिति यह है कि आपने एक भी नक्शा 5 साल में कॉलोनियों का डिसाइड नहीं किया, आपने 5 साल में नहीं किया। डीडीए ने 600 नक्शे तैयार भी कर दिए और अपलोड भी कर दिए बहुत बड़ी संख्या में, और रोजाना बहुत बड़ी संख्या में अपलोड हो रहे हैं। तो जब डीडीए कर सकता है कुछ दिनों में, तो आप 5 साल में एक भी नक्शा बाउंड्री डिसाइड क्यों नहीं कर पाए, हर बार 2 साल क्यों मांगते रहे, आपने क्या तैयारी की थी? इन सब सवालों के जवाब हम सरकार से मांगेंगे। और अगर सरकार बहस से भागेगी, चर्चा को टालेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे।